श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अनार के बेहतरीन घरेलू फेस पैक आप कैसे बनाएंगे। अभी अनार का जो घरेलू फेस पैक होगा वो आपकी त्वचा को खूबसूरत बनाएगा और वो भी अनार के रस से। अनार एक जाना माना फल है जो पोषण से भरा हुआ होता है। वे विटामिन के, बी, सी तथा फाइबर, इन चारों चीजों से भरपूर होता है। यह कोशिकाओं को शरीर के हानिकारक फ्री रेडिकल्स से प्रभावी रूप से बचाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के भी गुण होते हैं। यह फल दमकती त्वचा पाने के काफी बेहतरीन साबित होता है तथा अनार के कुछ औषधीय गुण भी हैं। बहुत सारे औषधीय गुण हैं इसके। अनार के फायदे, अनार के स्वास्थ्य लाभ, रक्त को साफ करके त्वचा को गुणवत्ता में सुधार करता है। अनार के छिलके की मदद से हर प्रकार की त्वचा के लिए बेहतरीन फेस पैक बनाया जा सकता है। इससे चेहरे की महीन रेखाएं, उम्र के धब्बे और झुर्रियां दूर हो जाते हैं और आपको बेहतरीन त्वचा प्राप्त होती है। अगर आपका त्वचा तैलीय है, अगर आपको ऑयली स्किन है, तो संतरे के छिलके लें और इन्हें छोटे छोटे टुकड़े में काटें। इसके बाद इन्हें सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो इन्हें पीसकर एक महीन पाउडर बनाएं और बाद में प्रयोग में लाने के लिए एक एयर टाइट पात्र में रख दें, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। थोड़ा सा पाउडर लें और उसमें नींबू का रस और गुलाब जल मिश्रित करें। इन्हें अच्छे से मिलाएं तथा अपने चेहरे पर लगाएं। इसे करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दें और इसके बाद इसे गुनगुने पानी से धो लें। अंत में अपने चेहरे को पोंछ लें। सॉरी, मैंने एक्चुअली में संतरे का छिलका बोला था, वो संतरे का छिलका नहीं, एक्चुअली में अनार के छिलके है। प्लस अगर आपकी त्वचा जो है वो ड्राई है, ड्राई स्किन है, रूखी त्वचा है, तो अपनी त्वचा को प्यार से गर्म पानी से धोएं। अनार के छिलके के पाउडर को शहद और दूध के साथ मिश्रित करें। इन्हें अच्छे से मिलाएं और महीन पेस्ट को अपनी त्वचा और गले में लगाएं। इसे करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दें और इसके बाद पानी से धो लें। चेहरे को अच्छे से पोंछ लें और इस पर एक मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें। अगर आपकी त्वचा सामान्य है, नॉर्मल स्किन है, तो अनार के छिलके का पाउडर लें और इसे मुल्तानी मिट्टी तथा गुलाब जल के साथ मिलाएं। इन्हें अच्छे से मिश्रित करें तथा इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर आराम करें। इसे करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दें और चेहरे को ठंडक का एहसास देने के लिए इसके बाद त्वचा को पानी से धो लें। अब मैं आपको बताऊंगा रेडिएंट स्किन पाने के लिए, दमकती त्वचा के लिए। एक कांच के पात्र में 2 चम्मच चंदन का पाउडर लें। आजकल तो थोड़ा मुश्किल हो गया चंदन का पाउडर, फिर भी आपको मिल जाएगा मार्केट में। इसमें 1 चम्मच कच्चा शहद मिलाएं। इन्हें अच्छे से मिश्रित करके इसमें ताजा अनार का रस डालें। इन सादे पदार्थों को अच्छे से मिलाकर एक महीन पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को सोने जाने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं। सुबह चेहरे को गुनगुना पानी से धोकर अच्छे से पोंछ लें। आप इसी फेस पैक का चेहरे पर प्रयोग करें और देखिए इसका फायदा क्या होता है। फिर आप इसी पेस्ट को आप चेहरे पर 2 से 3 मिनट तक मालिश कर रही हूं। इसे करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। अब चेहरे पर गुलाब जल या मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें जो आपकी त्वचा के प्रकार से मेल खाता हो। अगर आपकी त्वचा मिश्रित त्वचा है, अगर कॉम्बिनेशन स्किन है, तो 1 चम्मच अनार का रस, बादाम के तेल की 2-3 बूंदे तथा 1 चम्मच चावल का आटा लें। एक अनार से अनार का रस निकालें। इन सबको अच्छे तरीके से मिला लें और अपने चेहरे पर लगाएं। इसे चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें और इसे गुनगुने पानी से धो लें। ये अनार और शहद का फेस पैक भी बना सकते हैं। अनार के कुछ बीजों तथा 1 चम्मच शहद को मिश्रित करके एक पेस्ट बनाएं। इन्हें अच्छे से मिलाकर अपने चेहरे तथा गले पर लगाएं। इसे 30 मिनट तक अपने चेहरे पर छोड़ दें और इसके बाद पानी से धो लें।
अच्छे परिणामों के लिए इस विधि का प्रयोग 2 हफ्ते में 2 से 3 बार करें और फिर इसका कमाल देखिए आप। फिर अनार और कोको का फेस पैक। कोको एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसके हमारी त्वचा पर अनार के जो रस है जैसे ही फायदा होता है, जो अनार का रस का फायदा करता है वही फायदा आपका इसका जो जूस है आपके चेहरे पर करेगा कोको। तो अनार के कुछ बीजों को पीसकर इनको एक पेस्ट बनाएं और अनार के जूस बनाएं और इन्हें कोको पाउडर के साथ मिलाएं, इन्हें मिलाकर एक महीन पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को अपने चेहरे तथा गले पर अच्छे से लगाएं, इसे कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो दें, आप फिर कमाल देखिए। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।